भी आपके अपने हैं, पर आए नहीं। जाते जाते ये नजराना ही ले जाएंगे। चलिए नजराना ना सही, दुआएं ही ले जाएंगे। सफर लंबा है, काम आएंगी। आपकी दुआओं का बोझ हम सब पे थोड़ा भारी। सफर लंबा हो तो बोझ जितना कम उतना बेहतर। जान पड़ता है शाही खानदान हमारे बोझ तले काफी दबा हुआ है। क्या करें, लाहौर की मिट्टी का वजन ही कुछ ज्यादा है। अफसोस, दिल्ली की मिट्टी को अभी अपने परखन, जिस दिन ये अपना असली रंग दिखाएगी सब पर भारी पड़ेगी। और हाँ, अपने कंधों को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब हम मुल्तान से नासिर भाईजान के साथ वापस आएंगे ना, तो शायद दुआओं की जरूरत आपको और आपके बेटे रुकनुद्दीन को पड़े। अरे हाँ, नासिर मियां से याद आया, ये तोहफा तो हम उन्हीं के लिए लेकर आए हैं। जरा एक नजर इधर भी। सुना है मुल्तान के मोची काफी उम्दा है, इस जीन को सिलवा लीजिएगा, वरना अगली बार नासिर मियां घोड़े से गिरे ना तो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। एक सलाह आप हमारी भी मान ही लीजिए, इस जीन को ना अपने बेटे के गले में कसवा दीजिए। कम से कम घोड़े तो लगेंगे, तो लोग उन्हें खच्चर तो ना समझें। और हाँ, दुआओं का असर भले ही होना, पर बददुआएं अपना असर जरूर दिखाती हैं। सफर में यूं तन्हा निकले हैं, पर तुर्कन देखो तो ये तेवर इनके। सफर लंबा है, राह अनजानी, लुट न जाए जेवर इनके। संभल के शहजादी, सफर में कारवां लुटते देखे हैं कहीं हमने। अब्बू, हमारे जाने का वक्त हो गया है। अब आप हमारे सर पे हाथ रख के हमें दुआ दीजिए कि हम कामयाब होकर लौट खुशी खुशी घर वापस ले आए। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं रजिया, लेकिन एक बात याद रहे, राणा मार्तंड की इजाजत के बगैर आप बग्गी के बाहर अपना कदम भी नहीं निकालेंगे। पर हमें क्या होगा अब्बू, किसी को पता भी ना चलेगा कि हम कहीं बाहर गए थे। शहजादी हैं आप, शाही कारवां की खबर हमसे पहले दुश्मन हवाओं को लग जाती है, इसलिए आपकी हिफाजत इसी में है कि आप राणा मार्तंड की निगरानी में रहें। हुक्म की तामील होगी, आपका हुक्म सर आंखों पे राणा साहब। अब्बू, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। क्या दीजिए जहां बना राणा, हमने रजिया की मुल्तान जाने की जिद के आगे हामी सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि हमें यकीन था कि आप उसके साथ जाएंगे, वरना हम अपनी बच्ची को इतने लंबे सफर के लिए अकेले कभी ना भेजते। आप चिंता ना करिए जहां बना, शहजादी रजिया पर कोई भी विपदा आने से पहले उसे हमारा सामना करना होगा। हमें पूरा यकीन है, हमें आप पर उतना ही विश्वास है जितना कि एक भाई को भाई पर होता है। माँ भवानी की सौगंध यहाँ बना, ये राजपूत अपने प्राण त्याग देगा पर आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। खामा
जहां पना, हमें यात्रा आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। इजाजत है। फी अमान अल्लाह। जय भवानी, यात्रा आरंभ हो। इस आईने से भी आपकी दुश्मनी हो गई है क्या अम्मी? जो आप इस आईने को इतने गौर से देख रही हैं, हमारे महबूब अल्तमश अपने बेटे नासिर को कितने प्यार से देख रहे हैं। हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस आईने में। यही तो फर्क है आपकी और हमारी नजर में। जरा लाहौरी शाह तुर्कन की नजर से देखो, बड़ा संगदिल है मुआ ये आईना, जो कहता है सच कहता है। दिल करता है इसका दिल ही तोड़ दें। ये दरार देख रहे हो बच्चे? रिश्ते भी कुछ इस आईने की तरह ही होते हैं। एक बार इनमें दरार पड़ जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए हैं अम्मी जान। आप अल्तमश और नासिर के रिश्ते में आई दरार की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन देखो ना, दरार पड़ने के बाद भी ये हिस्से अलग नहीं हुए हैं। पुरानी मोहब्बत है शायद। हम इस दरार को इतना गहरा कर देंगे कि ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे। फिर अम्मी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सुल्तान अल्तमश खुद अपने ही हाथों से अपने बेटे नासिर की जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, जान ले लेंगे। और फिर हम, यानी आपके बेटे को इस सल्तनत का वारिस बनाएंगे? और फिर हम होंगे सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद। बादब, बामुलायजा, होशियार, मल्लिका हिंद, वालिदाए सुल्तान, शाह तुर्कन तशरीफ ला रही हैं। शहजादी रजिया, अब देखो हमारे वजन का असर। ये लो नजराना, शे और मात तिरकिट था। जरा बग्गी को रोकिए।
क्या हुआ शहजादी? अचानक से आपकी आंखें क्यों नम हो गई? देखो ना, अपनों से मिलने जा रहे हैं। अपनों को ही छोड़ के। सुभान अल्लाह, एक शहजादी के दिल में अपनी आवाम के लिए इतनी मोहब्बत हमने पहली बार देखी। मैं तो ऐसा लगता था कि नेक दिल सुल्तानों और बादशाहों के ही दिल में अपने आवाम के लिए जज्बात उमड़ते हैं। जज्बात तो जज्बात होते हैं फातिमा, ये अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ये सब नहीं देखते। इस मिट्टी को देख रहे हो? हम सब इस मिट्टी के ही तो बने हैं। एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही होती है ना। होशियार होशियार होशियार, मुल्तान जाने वाला शाही काफिला इधर से गुजरने वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये रास्ता खाली कर दें। ये गजनी का रास्ता मुल्तान होकर जाता है। हाँ, क्यों? जब शाही कारवानी हमें मुल्तान तक शाही सहूलियत दे रहे हैं, तो फिर हम अपने घोड़े को क्यों तकलीफ दें? अरे मियां सुनिए तो, ये कैसा झटका था? तुम लोगों ने महसूस किया क्या? अरे इसी मिट्टी के तो हम भी बने हैं बिरादर, शरबत लेंगे तो झटका तो लगेगा ही। ऐसे ही हंसते रहे तो पता नहीं कब मुल्तान निकल गया और हम सरहद पर गजनी पहुंच गए। हंसते हुए आप बेहद हसीन लगती है शहजादी, आपकी प्यारी सी हंसी के लिए तो गजनी भी जाना मंजूर। और नहीं तो क्या, इतनी छोटी सी जान और इतने बड़े बड़े मुश्किलों का सामना, जब देखो तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है और ये उसे सुलझाने में लगी रहती है। सही कह रही हो तुम, हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किलों के चक्कर में शहजादी को तो नजर भी नहीं आएगा, कोई शहजादा उनके लिए राह में आंखें बिछाए खड़ा है। अरे हम तो भूल ही गए थे, शाही कारवा है। शाही कारवा है तो शहजादी भी तो हो सकती है। अमां छोड़ो मियां, वो अगर शहजादी है तो हम भी अपनी सल्तनत के शहजादे हैं, पर शहजादी हो या रंग, भूख तो सबको लगती है।
ये शाही बगानों के सेब भी बड़े रसदार होते हैं। अब समझ में आया ये शहजादियों के गाल इतने लाल लाल क्यों होते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, ये किशमिश हमारी खाते हैं। पालकी में से खाने पीने का सामान गायब हो रहा है, पहले सेब फिर काजू। अरे कहाँ गायब हुआ, ये तो रहा। ये किस? हम सच कह रहे हैं? पहले काजू नहीं था, मतलब पहले काजू था फिर नहीं था, जब हमने देखा तो था फिर नहीं था। शायद पहले भी होगा, पर लंबे सफर में ऐसा ही होता है। अब तो हम भी उकता गए हैं इस धीमी चाल। कब तक ये चींटियों की सवारी करते रहोगे? चलो अब हवाओं से बात करते हैं। तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आंखों के सामने से चीजें गायब हो रही हैं, कान अपने आप बज रहे हैं, कहीं हम अल्लाह को प्यारे तो नहीं होने वाले? शहजादी, क्या देखे? कुछ भी तो नहीं है उधर। वो देखिए शहजादी, दुपट्टा तो हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे।